हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनरल स्टडीज़ का पेपर हो चुका है और अभी आप लोग पेपर के बाद अभी आप सीसैट का पेपर दे रहे होंगे और तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आंसर की आपके, ताकि पेपर के बाद आप निकलो और आपको आंसर की मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा इन डेप्थ पे हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, विल ट्राई टू रैप इट अप जल्दी कि हाँ जल्दी से आप आंसर्स की मैच कर लें। ठीक है, तो ये बुकलेट सीरीज डी है, कोशिश हमने की है कि इसमें मिनिमम एरर हो। ठीक है, बाकी एक आध ऊपर नीचे एरर्स हो सकते हैं, तो जल्दीबाजी में निकाला गया है तो बैड भी पॉसिबिलिटी है, बट हमने कोशिश की है कि इस पर मिनिमम एरर हो और आप बिल्कुल जो आपके जो आंसर कीज हो, जो आंसर्स हमने निकाले हैं वो सही निकले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बुलेट सीरीज डी है, बुकलेट सीरीज डी है, बट मैं क्वेश्चन को थोड़ा रीड करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन है और आप इसे मार्क कर पाओ। ठीक है, तो ये बुकलेट सीरीज डी है। तो बुकलेट सीरीज डी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुस्कान इनिशिएटिव। तो मुस्कान इनिशिएटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर टू, सोवा रिग्पा सिद्ध यूनानी आयुर्वेद, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ए है। अगर देखिए क्वेश्चंस हम इस तरह से देखा जाए, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पेपर में क्वेश्चंस कुछ स्टेटमेंट टफ है, क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे तो एक आध स्टेटमेंट मिल रहा है मैच द फॉलोइंग, जिससे आप आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो सोवा रिग्पा वाली जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन ए उसका आंसर है। देन वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग अगेन। ये हरियाणा जी का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर है क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, ऑप्शन इज सी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, गुजरी महल, शेख चिली स्टॉम, चोरों की बावली, जल महल, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर फोर, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ हरियाणा अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड, इसके क्वेश्चन नंबर इसका फोर का ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि सबके पास अलग अलग बुकलेट सीरीज है, किसी के पास ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो ये डी वाली है। मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन सा वाली क्वेश्चन का आंसर क्या है। असर्शन एंड रीजनिंग, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्वेश्चन है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाली क्वेश्चन जो असर्शन एंड रीजनिंग की है, इसका आंसर बुकलेट सीरीज में अगर हम देखें तो ये डी है, फाइव का। देन सिक्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेक्रीन वाला क्वेश्चन जो है, तो सेक्रीन वाला जो क्वेश्चन है, तो अल्फा इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सेक्रीन थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, तो हियर आंसर वुड बी सिक्स का आंसर डी है, वन एंड टू, सिक्स का आंसर डी है। देन सेवन, सेक्रीन वाला क्वेश्चन आंसर डी है। सेवन, स्टेटमेंट अबाउट टाइप्स ऑफ सोप्स वाली क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेवन बुकलेट सीरीज डी में है, इसका आंसर सी है, सेवन का आंसर सी है। देन मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सॉइल्स इज आर फॉल्स, सॉइल से रिलेटेड जो सवाल है, तो फॉल्स कौन सा, एट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, सिटीजन आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 18 क्या कहता है, टाइटल्स के बारे में जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन है, नाइन का आंसर डी होगा, नाइन आंसर इज डी, दैट इज नीदर वन नॉट टू। देन क्वेश्चन नंबर टेन, विद रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कंसीडर फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर टेन द आंसर इज डी, नीदर वन नॉट टू, कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946, इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पे, तो सेकंड तो करेक्ट है ही। दैट मीन्स स्टेट पॉलिसी इंडियन क्वेश्चन हैव बीन अर्ली क्लियरली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन इनकरेक्ट यहाँ पूछा गया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आसान था, पेपर इतना कोई डिफिकल्ट पेपर था नहीं। ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और सही से आपने बेसिकली अगर थोड़ा सा जो आपने पढ़ा या रिविजन आपने सही करी हो, तो ये पेपर आप आराम से क्लिप्स क्लियर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर इलेवन, स्टेट फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज आर मेड जस्टिसेबल इन द कोर्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट वन, इन द लाइट ऑफ दिस चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, फंडामेंटल राइट्स आर नॉन जस्टिसेबल
ये तो गलत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेड जस्टिसेबल, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. आंसर इज 11, आंसर इज बी. देन 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन द भारतीय डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ऑन भारतीय, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 13 आर इन द फॉलोइंग क्रम, खेड़ा सत्याग्रह, रोलर सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह. थर्टीन आंसर इज सी. सबसे पहले चंपारण ही होगा, तो डी चंपारण, फिर अहमदाबाद, देन खेड़ा, देन रॉलेट. सही है, 13 आंसर इज सी. 14 क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग, अगेन पॉलिटिकल क्वेश्चन, 243. अब देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रहते नहीं. 243 आर्टिकल जो है पूरी पंचायती राज से रिलेटेड है. अब के अंदर क्या है, आई के अंदर क्या है, तो दिस मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को छोड़ देना ज़्यादा सही रहेगा. वाई टू अट्रैक्ट सम नेगेटिव मार्क, अगर आप ड्राइव कर पा रहे हो कि हाँ वाई 243 जेड, अगर आपको कुछ इनमें से एक भी स्टेटमेंट आपको याद है और आप एलिमिनेट कर, एलिमिनेशन से यूज सॉल्व कर पा रहे हो, देन ओनली यू मस्ट गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसका आंसर वैसे डी है. देन क्वेश्चन नंबर 15 संस्कृताइजेशन, सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, सोशल रेवोल्यूशन, पोलिटिसाइजेशन ऑफ संस्कृताइजेशन, इधर एम एन श्रीनिवास. ए फोर किस पे, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 सॉइल से लेटराइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ग्लेजेशन, पॉर्जोलाइजेशन, इसका आंसर डी है, आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 17 बायोटिक रिसोर्सेज, 17 क्वेश्चन नंबर जो बायोटिक रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन है, तो हियर द आंसर फॉर 17 इज ए, आंसर फॉर 17 इज ए. देन 18 इन 1996 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर फूड एफएओ मिनिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम लॉन्च, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम, चिदम्बरम सुब्रमण्यम वाली क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, उसका आंसर क्या है, आंसर इज 18 सी. देन क्वेश्चन नंबर 19 नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी मिशन क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है बी. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20. अब ये जो क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन को मैंने छोड़ा हुआ है, बट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन, ट्रिकी है, तो इसके, इस क्वेश्चन के आंसर की इसमें अलग अलग वेरिएशन होंगे, किसी का कुछ निकलेगा, किसी का कुछ निकलेगा, तो इसको मैंने छोड़ा हुआ है इसे क्वेश्चन को, 20 को. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21 मैच लिस्ट द फॉलोइंग, फाइव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs वाला क्वेश्चन, खादी विलेज, इसका आंसर क्या होगा, माधव, गडगिल योजना, कौन सा फाइव ईयर प्लान से है, तो 21 आंसर इज ए, 21 आंसर इज ए. देन 22 क्वेश्चन नंबर 22 एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स विथ फेनराइटिक टेक्सचर, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 23 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइबर रिवर डेल्टा इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टाइबर रिवर वाली क्वेश्चन 23 जो है उसका आंसर है सी, आंसर इज सी. देन 24 अकेन एकियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, द मोस्ट कॉमन एकियन रॉक्स इज जेनेसिस रॉक. 24 आंसर इज डी. देन 25 गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स, 25 क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन है ये, यूरोपियंस डिनाउंस द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दे डिस्क्राइब्ड इज आर बैकवर्ड अनसिविलाइज्ड, ये वाली क्वेश्चन, तो 25 आंसर इज बी. देन वी मूविंग टुवर्ड्स 26 आंसर, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड बाई यू अंडर द ऑफिशियल डायरेक्शन एडवाइज ऑफ लॉर्ड डफरिन, गलत. सिक्स ट्वेंटी सिक्स
कांग्रेस वॉज टू प्रोवाइड माइल्ड सेफ एंड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलेट और द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज टू प्रोवाइड अ माइल्ड सेफ एंड राइजिंग डिसकंटेंट अमंग द मॉसेज इन द लाइट ऑफ द वर्स्ट स्टेटमेंट चूज द करेक्ट इसका आंसर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड बाई एओ यूम अंडर द ऑफिशियल डायरेक्शन गाइडेंस एंड एडवाइस ऑफ लॉर्ड डफरिन द वाइसराय नो दिस स्टेट फर्स्ट वन इज असरसन इज रॉन्ग ए इज इनकरेक्ट ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट इसका आंसर डी होगा 26 डी होगा 27 देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27 कनिष्क स्तूप वाला क्वेश्चन 27 है तो इसका आंसर है ए ट्वेंटी एट काची वॉज द फेमस सिटी ऑफ साउथ इंडिया मैंने सब जो मैं क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे यहाँ पे एमसीक्यूज में मैंने बताया था आपको इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साउथ इंडियन के क्वेश्चन आते हैं कांची वॉज द फेमस सिटी ऑफ साउथ इंडिया सेंटर ऑफ एजुकेशन कैपिटल ऑफ पल्लवास ठीक है कांची फेमस कलर्स मयूर वर्मा वत्स्य दिनांग है यानी वर देयर ह्यून सैंग गए तो थे यस स्टेटमेंट वन इज टू सी आंसर होगा इसका 28 सी देन 29 दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज दादा भाई नौरोजी वाला जो क्वेश्चन है क्या है 29 का आंसर होगा ए 29 का आंसर है ए देन 30 का आंसर होगा 30 इन अ मैसेज टू इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू एम्फसाइज दैट बोथ द सोशल एंड नेशनल स्ट्रगल वर बेसिक्स एंड दैट नीदर शुड बी कॉम्प्रोमाइज ही अर्ज द वर्किंग क्लास टू प्ले इट्स रोल इन द एंटी इंपीरियल स्ट्रगल इन द लाइट ऑफ यू नो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सी असर्शन इज करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बट दिस इज नॉट द एक्चुअल रीजन ठीक है तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यार बी आंसर होगा 30 का बी आंसर है देन 31 मूविंग ऑन टू 31 सब्सिडियरी अलायंस वाली क्वेश्चन है तो 31 का आंसर है सी देन मूविंग टुवर्ड्स 32 सुप्रीम कोर्ट मैच द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड मद्रास कॉर्नवालिस कोड 1793 1774 A2 B1 रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 53 C4 सी इज द आंसर 32 सी इज द आंसर 32 सी आंसर है 33 औरंगजेब हैड कंस्ट्रक्टेड कुवातुल इस्लाम मॉस्क बाय डिमोलिशिंग द चिंतामणि टेम्पल 33 का आंसर है डी स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट टू सेकेंड इज कुतुबुद्दीन एबा गॉट कुवातुल इस्लाम मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली यस तो इसका आंसर क्या होगा 33 का आंसर है डी 33 डी देन 34 टेम्पल्स ऑफ विरूपक्ष पद्मावत मैंने सब कुछ मैंने एमसीक्यू सेशन में करवाया हुआ था ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं विरूपक्ष टेम्पल्स विजयनगर डायनेस्टी यूज्ड टू रूल इन द नेम ऑफ जिन लोगों ने हमारे मेरे साथ ये हिस्ट्री के क्वेश्चन वो सारे अटेम्प करेंगे जिन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ ये एमसीक्यू सीरीज लगाई होगी उनको बहुत फायदा हुआ होगा 34 The temples of Virupaksha Padma were built by choosing a beautiful place like Vijayanagar. The Vijayanagar rulers adopted earlier tradition, innovated them and developed them further. 34 answer is A. 34 answer is A. 35 then following the coal fields of India from south to north direction. Kaunsa Srinagiri, Giridi, Jhilmil, Neyveli. From south to north. B 35 I think C is the answer 35 C then 36 match the following
एनटीपीसी, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट, मेजिया थर्मल पावर प्लांट, ट्रॉम्बे थर्मल पावर प्लांट। तो मैच द फॉलोइंग है 36, 36 का आंसर है, 36 आंसर इज बी। देन 37 पैसिफिक एंड फिलिपिन प्लेट, हम प्लेट्स वाली जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 37, आंसर इज सी। देन 38 कंपोजिशन ऑफ वसंत विलास इन संस्कृत रघुनाथ, मैच द फॉलोइंग है कंपोजिशन ऑफ, तो दिख भी नहीं रहा प्रॉपरली, थर्टी एट का आंसर ए है, 38 आंसर इज ए, मैच द फॉलोइंग। 39 डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी, मनुची बर्नियर बारबोसा टेवर्नियर, साइंटिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर D2। ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन नंबर इज 39 आंसर इज बी, 39 आंसर इज बी। देन कहीं द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फास्टर सुप्रीम कोर्ट, ये करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन नंबर रिगार्डिंग फास्टर वाली क्वेश्चन, 40 का आंसर है डी। देन 41 लोन गारंटी स्कीम कॉर्पस, इसका आंसर है डी, 41 आंसर इज डी। देन 42 मूविंग ऑन टू 42 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 42, तो 42 का आंसर है ए। देन वी मूव 43 मैच द फॉलोइंग स्कीम्स पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन, मेरी फसल मेरा बोयरा पोर्टल, 43 का आंसर है डी। देन 44 मूविंग ऑन टू 44 अग्निपथ स्कीम आंसर है 44। देन वी मूव टूवर्ड्स 44 द आंसर इज डी 44 का आंसर है डी। देन 45 के कितना बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली ईवीएम वाली क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है डी, 45 ईवीएम वाली क्वेश्चन का आंसर डी। देन 46 युक्ति योग कलाकृति की तकनीक सक्षम ईशान उदय प्रगति, मैच द फॉलोइंग, 46 आंसर इज बी। देन 47 बागर बेत नाली खादर बांगर, ठीक है, तो ये सॉइल का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 47 इसका आंसर है बी, 47 बी। देन 48 वी कम टूवर्ड्स 48 क्वेश्चन इज बी, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स एंड यूसेज। देन 49 वी मूव टूवर्ड्स पैरासाइट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है इज ट्रू, 49 इज डी। देन क्वेश्चन नंबर 50 मैच द फॉलोइंग अगेन, प्रोसेस एंड डिस्क्रिप्शन मोल्टिंग रीलिंग शेयरिंग स्कवरिंग, 50 क्वेश्चन नंबर 50 आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फंगाई एंड सिंपल प्लांट्स इज आर ट्रू, फंगाई वाली क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन नंबर कितना 51 आंसर इज ए। देन मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 52 खोरिया मंजीरा सुरखब चूरमा, ठीक है, 52 वाली क्वेश्चन जो है इसका आंसर है बी, दैट इज बी, 52 बी, चूरमा वाली क्वेश्चन बी। देन डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद अदर डिस्ट्रिक्ट टचिंग इट्स बाउंड्रीज, जिंद हरियाणा जी के क्वेश्चन है, जिंद कौन से बाउंड्री, जिंद रोहतक रेवारी हिसार, क्वेश्चन नंबर 53 इसका आंसर है डी, 53 इज डी। देन 54 सार्थक दीक्षा प्रबंध टॉकिंग बुक्स, ये मैच द फॉलोइंग्स, क्वेश्चन नंबर 54 आंसर इज सी। देन 55 पीएम श्री स्कूल्स 55 पीएम श्री स्कूल्स 55 का आंसर बी है। देन 56 सॉइल्स फाउंड इन इंडिया रॉन्गली मैस्ड, सब माउंटेन करेवा सॉइल पीटी एंड मार्सी सॉइल, 56 आंसर इज डी। देन 57 विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया इज फॉल्स, क्रॉपिंग सीजन इज फॉल्स, मेन क्रॉपिंग सीजन इंडिया इज आर फॉल्स, आंसर 57 आंसर इज बी। देन 58 मैच द फॉलोइंग 61 72 54 123 76 आर्टिकल्स कौन से हैं आर्टिकल्स और किसको मैच कर रहे हैं, 76 का क्या होगा अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल 76 मतलब 5E5 देन 123 ऑर्डिनेंस डी 4 आंसर इज डी।
आंसर इज डी 58D 50 E5 D4 ओह सॉरी E5 D4 अच्छा देन इलेक्शंस 54 ओके पार्डनिंग पावर एक और 61 इम्पीचमेंट ठीक है B2 C3 D4 E5 सी इज दिस आंसर सॉरी सी इज आंसर सारे मैच करेक्टली यहाँ सही है सी इज द करेक्ट आंसर सॉरी 58 सी इज द आंसर 59 अगेन मैच द फॉलोइंग ये मैच द फॉलोइंग से पूरे पेपर पूरा क्वेश्चन पेपर मैच द फॉलोइंग से भरा पड़ा है ठीक है और इसी एलिमिनेशंस यूज करके एलिमिनेट हो रहे हैं क्वेश्चन से ठीक है अगर आप थोड़े से एनालिसिस करके कर पा रहे हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं आंसर निकल रहा है अब देखिए मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद लिस्ट टू अल्बात्रोस प्लेटू टेलीग्राफ प्लेटू एम्स्टरडैम सेंट पॉल प्लेटू कुरील कमचटका प्लेटू ट्रेंच मैंने बोला था आपको मैप पॉइंटिंग की इंपॉर्टेंस कि दो दिन आप सिर्फ मैप पॉइंटिंग करिए ठीक है देखिए क्वेश्चन आ गया मैप पॉइंटिंग का अब कुरील कमचटका इट इज नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन डी का टू किस पे है देखिए हियर बी इज द आंसर 59 बी इज द आंसर 59 बी देखिए इस तरह से आंसर निकल रहा है इसका 60 गिवन बिलो इज लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट ज्योग्राफर्स द कंट्रीज कहाँ है 60 इज ज्योग्राफर वाली क्वेश्चन अल इद्रिस इंग्लैंड ब्रूने हार्वी 60 क्वेश्चन नंबर 60 आंसर इज ए 1 and 4 ओनली क्वेश्चन नंबर 61 कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली एंड चेयरपर्सन कमिटी और चेयरपर्सन पॉलिटिकल क्वेश्चन सारे आसान है फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी नेहरू हाउ मेनी पेयर्स गिवन अब आर करेक्टली मैच्ड वन पेयर ओनली टू पेयर ओनली अच्छा ये थोड़ा सा यूपीएससी स्टाइल के क्वेश्चन को उन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी 61 तो 61 आंसर वुड बी 61 इज आंसर सी 60 ओनली थ्री पेयर्स 61 आंसर इज सी देन 62 कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल ऑफ राइट्स मोतीलाल नेहरू कमिटी प्रेजेंटेड अ बिल ऑफ राइट्स इन 1930 पहला स्टेटमेंट गलत है 1930 आंसर बी निकल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए तो 62 ऑप्शन इज बी 62 इनकरेक्ट अच्छा सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया तो पहला इनकरेक्ट है अ बिल ऑफ राइट्स प्रोविड्स गवर्नमेंट फ्रॉम द अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड इंश्योर रेमेडी इन केस देयर इज वायलेशन ऑफ दीज राइट्स गवर्नमेंट कैन नॉट पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज वन एंड थ्री डी इज द आंसर सॉरी अब जिसका ये पेपर उन्होंने पढ़ा नहीं करेक्ट इनकरेक्ट जैसे कि अभी मेरे साथ भी हो गया तो इनकरेक्ट उन्होंने करेक्ट मार्क किया हुआ है तो इनकरेक्ट पूछा गया था तो 1 and 3 डी इज द आंसर 62 डी इज द आंसर देन 63 असर्शन एंड रीजनिंग असर्शन क्या है मौर्य एम्पायर एंड अशोका फॉलोड पॉलिसी ऑफ धमा तो हियर आंसर वुड बी 63 आंसर इज सी 63 आंसर इज सी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ऑफ लक्कुलिशा पशुपत सेक्ट 64 आंसर करेक्ट पूछा गया तो 64 आंसर इज डी 64 आंसर इज डी 1 2 4 5 देन 65 क्वेश्चन विरूपक्ष विजयनगर अगेन दूसरा क्वेश्चन देखिए आंसर 65 का आंसर है 65 आंसर इज डी 65 आंसर इज डी देन 66 स्टेटमेंट वन बुद्धिस्ट नैरेटिव 66 द वॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर श्राइन्स वेर कवर्ड विद म्यूरल्स इलस्ट्रेटिंग बुद्धिस्ट नैरेटिव ठीक है मोर डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स वाज एडॉप्टेड वाज सेंट्रल एशिया नो सेंट्रल कमेंसिंग एट बनियान नो सेंट्रल एशिया के अंदर नहीं इंडिया सेंट्रल एशिया वाज फेमस फॉर स्कल्पचर्स ए इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो यह आंसर क्या हो जाएगा बट टू इज फॉल्स सी 66 हो जाएगा ये 67 गिवन धमा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत धमा द टर्म धमा वॉज प्रोपोगेटेड बाय अशोक बुद्धिज्म व्हेन ही अडॉप्टेड द सेम एंड स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग इट बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट ए आंसर होगा 67 ए बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट 67 ए 68 गणेश शंकर विद्यार्थी ये जो क्वेश्चन है 68 गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप जो इन्होंने लिखा है 68 इसका आंसर है सी 68 आंसर इज सी देन 69 क्वेश्चन ऑफ
इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन मोहम्मद जिलानी 1937 कांग्रेस डिड नॉट स्टॉप सिंगिंग वंदे मातरम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल सर सैयद अहमद खान हैड सेड दैट फर्स्ट फॉट फॉर द कांग्रेस नाउ इनकरेक्ट है ये 69 आंसर इज बी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट 69 इज बी 70 व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ साउथ सैंडविच ट्रेंच प्योटो रिको ट्रेंच जपनीज देखिए मैंने मैप पॉइंटिंग कुरिल ट्रेंच ये मैंने आपको बताया था कि ओशंस इंपॉर्टेंट ओशंस आइलैंड्स उन पर क्या है ट्रेंचेस क्या है देखिए क्वेश्चंस आ गए और इंडिया के भी कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो मैप पॉइंटिंग हेल्प से सॉल्व हो सकते थे 70 आंसर इज 70 आंसर इज ए 70 आंसर इज ए 71 अर्थशास्त्र 71 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टेटमेंट 1 एंड 2 बहुत सारे हैं अर्थशास्त्र गवर्नमेंट 71 आंसर इज ए बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट अर्थशास्त्र वाली क्वेश्चन ए आंसर देन 72 असर्शन रीजनिंग फिर से कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर्मेटेड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी तो इसका आंसर क्या है 72 आंसर इज डी 72 आंसर इज डी ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट देन 73 असर्शन रीजनिंग दसवंत पेंटर वाली क्वेश्चन 73 आंसर इज बी देन 74 उलेमा वर मुस्लिम्स स्टेटमेंट 1 उलेमा वर मुस्लिम्स थियोलॉजियंस हु प्रोवाइडेड इंटरप्रेट ऑफ कुरान ठीक 74 सी उलेमा वाली क्वेश्चन सी देन 75 रॉलेट एक्ट या रॉलेट केम नन कॉपरेशन मूवमेंट दिस वॉज डिजाइन 75 आंसर इज डी रॉलेट वाली डी आंसर है देन 76 निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 76 क्वेश्चन नंबर है फैशन टेक्नोलॉजी इसका आंसर है 76 सी देन 77 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये भी सी है 77 सी देन 78 प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना 78 इसका आंसर है 78 आंसर इज सी 78 आंसर इज सी इनकरेक्ट पूछा गया नॉट करेक्ट 134 नॉट करेक्ट देन 79 आंसर वुड बी बी 70 फॉलोइंग पिंजौर गार्डन पिंजौर वाली क्वेश्चन इसका आंसर है बी देन 80 आंसर इज सिटी ऑफ फाइव कैनल्स सिटी नेम्ड आफ्टर वाइफ ऑफ नीम सिंह 80 इसका आंसर है बी आंसर इज बी देन 81 स्टेटमेंट रेफरेंस टू यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 81 आंसर इज सी देन 82 आंसर इज बी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इज आर फॉल्स इज बी देन 83 गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मैच द फॉलोइंग खेत खाली फिर भी खुशहाली मेरा पानी मेरी विरासत ये स्कीम्स एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 83 इसका आंसर सी है आंसर इज सी 84 मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना इन हरियाणा 84 तो डी आंसर है इस बार थोड़ा हरियाणा जी के क्वेश्चन ज़्यादा है लास्ट टाइम कम था उससे भी लास्ट टाइम तो और भी कम था बट इस बार ज़्यादा है करंट अफेयर्स भी है और हरियाणा जी के कभी क्वेश्चन अच्छी गुड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हरियाणा जी के 85 लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रोविजंस और सब्जेक्ट्स Schedule and provisions. Match the following. 85. Its answer is C. 85 answer is C. Then 86. 86. Idea of India Democracy. Kilani, Rajini Kothari, Ramchandra Guha, Atul Kohli. 86. 86 ka answer kya hai? 86 ka answer hai D. 86 ka answer hai D. ठीक है? वैसे एक D is the answer. Then 87th question, bill pending in the legislature, 87, bill pending in the legislature question hai, iska answer bhi D hai, this is also D, 87D, then 88, consider following of parents or guardian to provide opportunities for education to his child, at the case mein bhi, toh 88 jo hai, 88 ka answer, that would be B, 88 is B, then 89, given below are some of the definitions of human geography, some of the definitions 89
ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो क्वेश्चन है फेमस ज्योग्राफर्स, इट इज 89C. देन 90 अरेंज द फॉलोइंग फाइव जोन्स ऑफ द पेलागिक रीजन्स, मेसोपेलागिक, एपिपेलागिक. 90 क्वेश्चन नंबर 90 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इट इज बी. 90 का आंसर है बी. देन यू मूव टूवर्ड्स 91 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉट डिक्रीज ऑफ द रेवेलिटी इन टर्म्स ऑफ अर्थ क्रस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, ज़्यादा से कम अर्थ क्रस्ट में पूछा गया है, पूरा ध्यान रखना है, पूरे अर्थ में नहीं, सिर्फ अर्थ क्रस्ट. तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा से कम, तो उसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 91, 3-1 ऑक्सीजन सिलिकन सिलिकन आयरन सोडियम 3-1-2-4 दैट इज बी आंसर. 91 बी आंसर मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है. ओसाई अर्थ क्रस्ट में, ओसाई ऑक्सीजन सिलिकन एल्यूमिनियम आयरन कंप्लीट अर्थ में, IOSM कंप्लीट पूरे अर्थ की अगर हम बात करें, IOSM आयरन ऑक्सीजन सिलिकॉन उसके बाद एल्यूमिनियम. तो इसके लिए यहाँ पे 92 लैंडफॉर्म्स एंड ऑकरेंस लपिस नेचुरल लेवीज सिर्क 92 ऑप्शन इज ए. 92 का ए है. देन 93 वी कम्स टू वर्स 93 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट ओनली. तो ये आंसर हो जाएगा दैट इज 93 आंसर इज सी. 93 आंसर इज सी. जैसे पहला स्टेटमेंट गलत है, अगर हम एडमिट करेंगे तो आंसर निकल सकता है. ठीक है, सी आंसर है. देन 94 क्वेश्चन कौन सा है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द करेक्ट सीक्वेंस. अंबेडकर फर्स्ट स्पीच अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव्ड कॉमनवेल्थ मेंबरशिप ऑफ इंडिया नेहरूज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. शुरू यहाँ से होगा कॉमनवेल्थ मेंबरशिप. नाइन्टी फोर आंसर वुड बी सी. 4-1-2-3 94 आंसर इज सी. देन 95 डैम एंड रिवर्स, डैम्स एंड रिवर्स किसके ऊपर है? तो 95 आंसर इज, 95 आंसर वुड बी ए. 95 आंसर इज ए. देन 96 ज्योग्राफर्स लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. कौन से ज्योग्राफर ने क्या कंसेप्ट लेके आए थे? तो 96 आंसर इज ए. देन 97 एस्टिमेट कमेटी और उसके मेंबर्स मैच द फॉलोइंग. तो 97 वुड बी ए. 98 265 टैक्सेस नॉट बी इम्पोज्ड कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ इंडिया. 96 ठीक है, ए इज द आंसर. 98 ए सारे करेक्टली मैच्ड है, ए इज द आंसर. देन 99 असर्शन एंड रीजनिंग अगेंस्ट असर्शन एंड रीजनिंग. फेडरलिज्म इन इंडिया इज इन रिसेंट ईयर्स मूविंग फ्रॉम कॉपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरल सिस्टम. ठीक है, रेसिडुअल पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन आर लाइंग विद द सेंटर. दैट इज नॉट द रीजन. अगर जा भी रहे हैं फेडरलिज्म सिस्टम की तरफ, अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके इंटरप्रिटेशन है, अभी इसके इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, अब फेडरलिज्म इन इंडिया इज रिसेंट मूविंग टुवर्ड्स कॉपरेटिव टू बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये सही बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन, क्योंकि एक है मॉरिस जोन्स, एक बेसिकली यूरोपियन राइटर, तो उन्होंने ये टर्म दिया हुआ है कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म. अब वैसे ही ग्रैनविल ऑस्टिन है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म इज कॉपरेटिव फेडरलिज्म, बट कॉपरेटिव की तरफ से बार्गेनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं. तो ये हम अभी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स पे क्या बोला जा सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है. रेसिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन आर लाइंग विद द सेंटर, ये स्टेटमेंट दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट आंसर. बी आंसर होगा इसका, 99 बी. ठीक है, इस पे थोड़ी डिफरेंसेस हो सकती हैं, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन की बात है ये. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन जिन्होंने बनाया है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है,
बट आजकल के टाइम को देख के बोला जा रहा है, बट किसी ने इंडिया को बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इंडिया के फेडरलिज्म को बोला हुआ है पहले भी। 100 क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिस्प प्रपोजल बिकॉज कांग्रेस वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द डोमिनेंट स्टेटस ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश। करेक्ट है। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द क्रिस्प प्रपोजल बिकॉज इंडायरेक्टली डिमांड, नो मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट इट। ए इज स्टेटमेंट, ए सही है स्टेटमेंट वन, बट टू इज नॉट करेक्ट। मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आंसर वुड बी इसका सी आंसर होगा 100। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द क्रिप प्रपोजल बिकॉज द इनडायरेक्टली डिमांड पाकिस्तान वॉज एक्सेप्टेड बाई प्रपोजल, नो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, सी या बी क्या होगा इसका, सी या ए। बट एज पर माई नॉलेज ये आंसर सी होना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने भी क्रिप प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गेट फ्रॉम द टूडेज, ये आंसर की हमने निकालने की कोशिश की है। तो टू द नियरेस्ट पॉसिबल फैक्ट सही निकले, तो इसमें थोड़ी बहुत एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें निकाली गई हैं, हो सकता है एरर्स। एंड कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो मैंने पहले भी बोला कि 50-60 के बीच में कट ऑफ इसके रहेगी जनरल की। पेपर के क्वेश्चन एज सच 50-60 क्वेश्चन इसमें आप आराम से कर सकते थे, क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व हो सकते थे। कोई एस्पायरेंट, एक रियल एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है तो वो सॉल्व करेगा उसके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगेन बेस्ट ऑफ लक, होप किसी के प्रीलिम्स अगर हो गई हैं, प्रीलिम्स हो रही हैं, कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो उनको बेस्ट ऑफ लक मेंस के लिए। इनका नहीं हो रहा है, डोंट नॉट वरी, देर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, बहुत सारे पेपर्स आते हैं, फिर पेपर देना है। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।